होकर आया हो। श्रद्धा और सबोरी में देवे गिरिराज जी के अनन्य भक्त श्री हरि के अटूट जयकारे विराजमान होता माघ उल्लास के साथ 24-25 दिसंबर को होने जा रहे 15वें 56 भोग महोत्सव का निमंत्रण देते हुए राज जी परिवार शनिवार को श्री मनकेश्वर नाम मंदिर से श्री गिरिराज जी सेवा मंडल परिवार की ओर से विश्वमूल्य अमंत्र यात्रा और महाआरती दर्शन का आयोजन किया गया। सबसे आगे नासिक के ढोल नगाड़ों के साथ चलता गणेश जी की झांकी शहनाई के धुन पर नफीरी बैंड द्वारा निकलती सतरंगी फूलों से सजी खाटू नरेश की झांकी मुख्य आकर्षक के रूप में जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण देती कलाकारों द्वारा संगीत प्रस्तुति देती आती योगी महाकाल की झांकी और मुख्य ढोल के रूप में निधिवन के स्वरूप में ठाकुर जी के दर्शन की झांकी का शहरवासियों ने शीर्ष झुका कर अभिवंदन किया। अमंतर यात्रा का शुभारंभ विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल करणी आश्रम के मुख्य हरिओम महाराज, संस्थापक नितेश अग्रवाल, सह संस्थापक मयंक अग्रवाल, बल्केश्वर महादेव, कपिल नागर अध्यक्ष अर्जुन श्री गिरिराज जी की आरती व श्रीफल फोकर किया। शोभा यात्रा रावतपाड़ा की मन कमेश्वर मंदिर के प्रारंभ होकर जौहरी बाजार, देवसी छत्ता बाजार, बेलमगंज, पलियागंज, फुलटी बाजार, जौहरी बाजार होते हुए पुनः रावतपाड़ा पर समापन किया। फूलों व इसकी वर्षा का जगह जगह शोभा यात्रा व स्वागत किया। पूरे माघ में माखन मिश्र का प्रसाद राहगीरों को वितरित किया गया। न्यूज गोला आगरा समाचार 24। गोवर्धन नाथ की धूम मच रही है। गिरिराज सेवा मंडल बधाई का पात्र है। हजारों धर्मावलंबियों को इसका धर्म लाभ मिलेगा, अच्छे संस्कार आएंगे और गोवर्धन नाथ सब पर कृपा करेंगे और सभी लोग गोवर्धन नाथ के दर्शन करें और आनंद लें। होने वाले 56 लोगों और सबको लिए सभी शहरवासियों को सामंतर यात्रा के माध्यम से निमंत्रण दिया जा रहा है कि वे सभी आए और गिरिराज जी की पावन भूमि में आकर ठाकुर जी के दर्शनों का लाभ लें और प्रसाद लें। इस बार 5 झांकियां आमंत्रण यात्रा में है। सबसे पहले गणेश जी का डोला है, उसके बाद श्री राम जी का है, फिर महाकाल की झांकी है, उसके बाद खाटू श्याम जी और फिर साक्षात गिरिराज जी विराज है। ये आमंत्रण यात्रा गिरिराज सेवा मंडल की निकल रही है और ये सभी नगरवासियों को आमंत्रण देने के लिए निकल रही है। 24-25 से जो 56 लोग लगने जा रहे हैं गिरिराज जी में, उसके लिए आमंत्रण यात्रा निकाली जा रही है। आज गिरिराजी सेवा मंडल द्वारा जो 24-25 दिसंबर को आने और बड़ी परिक्रमा मार श्री काशनी गुरु सम्मेलन जी के आश्रम में 56 भोग महोत्सव है, उसके संदर्भ में शहरवासियों को आमंत्रित करने के लिए एक आमंत्रण यात्रा यहाँ निकाली जा रही है पूरे रामबरात मार्ग पे। इस मार्ग ये यात्रा रात बारह शुरू होकर जौहरी बाजार, सुभाष बाजार, दरेसी, कचहरी घाट, बेलंगंज, पदवारी, चिलीट, बुलट्टी और किनारी बाजार होते हुए पुनः यहीं रावतपाड़ा पर इसका समापन होगा। आज सभी संस्था के सदस्य और उनके परिवार पूरे शहरवासियों के को धर्म प्रेमियों को आमंत्रित करते हुए चलेंगे कि वो 24-25 दिसंबर के 56 भोग के कार्यक्रम में वहाँ पहुँच करके ठाकुर जी की आलोकिक छवि का आनंद लें और मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और वहाँ कार्यक्रम का आनंद उठाएँ। बड़ी भव्य और बहुत दिव्य शोभा यात्रा, इसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है कि स्वयं ठाकुर जी यहाँ गिरिराज गोवर्धन भगवान यहाँ विराजमान है और हम सभी गिरिराज गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं और प्रभु श्री गिरिराज जी का आज दर्शन कर और वाकई इस तरीके का यहाँ भाव है और इस तरीके की यहाँ पर पूरा दिव्य दर्शन है और हजारों भक्तों के साथ ऐसी शोभा यात्रा जो अच्छी निकल रही है। मैं बहुत बहुत गिरिराज सेवक मंडल परिवार और यहाँ सभी आगरा वासियों को इस यात्रा में के लिए आमंत्रित करता हूँ और 25-26 तारीख के लिए जो गोवर्धन का जो ये कार्यक्रम है सबको आमंत्रण देता हूँ कि सभी आगरा वासी 25 दिसंबर को गिरिराज जी के इस भव्य कार्यक्रम में शिरकत करें और उपस्थित करें।